आई थिंक मुझसे ज़्यादा तो मेरी मॉम का सैक्रिफाइस है, बट जब एक्सपीरियंस किया है अब तो इट इज़ अनबेरेबल, अनबिलीवेबल. तो आने से पहले भी ये बोल रही थी कि मैं ऐसे सोच के आ रही हूँ कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ. So far so good, experienced a lot, really different things, and which I don't think any of us will experience in real life or would want to experience in real life, but yeah, like I said, so far so good. जो शॉक वाले स्टंट्स होते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी पता नहीं थी जब तक टीवी में देखते थे, बट जब एक्सपीरियंस किया है अब तो इट इज़ अनबेरेबल, अनबिलीवेबल. बहुत मुश्किल होता है यार. तो अब जाके पता चला है कि वो मतलब क्या इंटेंसिटी होती है जो लोग सच में इतना चीखते हैं. तो अब जब लोग हमारी चीखें सुनेंगे तो पता चलेगा. नॉट प्रेशराइजिंग, बिकॉज हमारी ऑडियंस है यार, मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे बहुत प्यार करती है. तो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि मैं जो भी करूँ मेरे लिए सब अच्छा ही हो. राइट. बट आई एम हियर टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स. एंड मैं तो आने से पहले भी ये बोल के आई थी कि मैं ऐसे सोच के आ रही हूँ कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और मुझे एक्सपीरियंस करनी है चीज़ें. जहाँ तक जीत हार की बात है यार, वो तो लगी रहती है. जी. अभी ऑब्वियसली 14 कंटेस्टेंट्स हैं, कोई एक ही जीतेगा और बाकी जो हारेंगे, मुझे नहीं लगता ये कोई फेलियर होगा यार. हर कोई और इस सीज़न में तो इनफैक्ट हर कोई बहुत ही स्ट्रांग है. हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है. तो किसी का जाना ना जाना आई डोंट थिंक उससे मतलब उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है. बट ऑब्वियसली जो लोग चाहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप चाहेंगे कि यार आप तो बेस्ट करो, आप जीतो. बट ऑब्वियसली हर कोई नहीं जीतेगा. आई थिंक जो मैटर करता है वो है आपकी जर्नी. कंटेस्टेंट जिसने मुझे सरप्राइज किया, मैंने खुद को सरप्राइज किया. okay. मुझे खुद से कई चीज़ें जो मैंने की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी. मैंने की है, मैंने हर चीज़ को अटेम्प्ट की है. तो मैंने आई थिंक मैंने खुद को सरप्राइज किया. राइट. आई फील ब्लेस्ड. मैंने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इतने सारे लोगों का मुझे प्यार मिला है. right. मिल रहा है और मिलता रहेगा. तो बहुत खुशी होती है यार ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ. right. तो इट इज़ ओवरवेलमिंग. कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं. मैं तो भाई मैंने जो कुछ किया है मैं रिग्रेट करती हूँ. मैं इनफैक्ट अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ यार कि मैंने लाइफ का हर डिसीजन जो लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और वो डिसीजन हमेशा मेरे फेवर में रहा है. और मैं जो करती हूँ मैं बहुत दिल से करती हूँ. यार फैमिली से दूर रहना. right. फैमिली से दूर रहना. मैं बहुत फैमिली वाली इंसान हूँ, फैमिली पर्सन हूँ. मैं अकेले ना, मैं बिना फैमिली के रह नहीं पाती. और मेरी वजह से मैं जब बहुत छोटी थी, जब बॉम्बे आ गई थी और मम्मा मेरे साथ आई हैं, आई थिंक मुझसे ज़्यादा तो मेरी मॉम का सैक्रिफाइस है. उनके दो बच्चे और भी हैं, उनके हस्बैंड हैं मेरे पापा, उन सबको छोड़ के यहाँ आना. और वो मेरे लिए अपने दो बच्चे बेचारे वो वहाँ रहते हैं, मैं वो यहाँ रह रही हूँ. बच्चों के लिए बिना मम्मी के रहना कितना मुश्किल होता है ये हम सभी जानते हैं. और तब तो मेरे भाई बहन मुझसे भी छोटे हैं यार, वो जब मम्मा मेरे साथ यहाँ पे आ गई थी. मैं मेरे पापा के लिए उन दोनों बच्चों को संभालना, अपनी फैमिली उधर देख रहे हैं, मम्मा यहाँ मैनेज कर रही हैं. तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये थी यार, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल थी, बहुत तेज़ मुश्किल था शुरुआत का. बट अब तो ऑब्वियसली अब आदत हो गई है, तो अब इतना समझ में नहीं आता. बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मैं भी बड़ी हो गई हूँ. बट ये सैक्रिफाइस तो मैं कभी नहीं भूल सकती.